Bismillahirrahmanirrahim. ये बी.एस.सी का डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो लेबनिस थ्योरम पर आधारित है. क्वेश्चन है, इफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर एन, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन और वाई का यहाँ पर एन प्लस टू टाइम डिफरेंशिएशन है, प्लस टू एक्स और y n plus 1, यानी y का n plus 1 times differentiation है, minus n n plus 1, y n is equal to 0, यहाँ पर y का n bar differentiation है, तो इसको मैं Leibnitz theorem का use करते हुए, इसको prove करना है, इसको prove करने के लिए, जो given value है, y is equal to x square minus 1 to the power n, इसको लिखेंगे, और इसमें सबसे पहले हम लॉग ले लें ताकि पावर आगे मल्टीप्लाई कर जाए, दोनों साइड लॉग ले लेंगे. y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर n, लॉग में पावर आगे मल्टीप्लाई कर जाती है, तो n इंटू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन लॉग y. अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दें, हमें n प्लस टू टाइम्स मैक्सिमम डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपन y हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये x नहीं है इसलिए इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा. dy over dx is equal to n into log को log का डिफरेंशिएशन करना है, इसको x मानते हो, ये तो कांस्टेंट था बाहर हो गया, log का डिफरेंशिएशन करना है जिसका डिफरेंशिएशन 1 अपन x स्क्वायर माइनस 1 होगा, लेकिन ये x नहीं है इसलिए इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 अपन y डी बाई इस वाई का अगर एक बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो शॉर्ट में बाई वन लिखते हैं, तो बाई वन लिख लें इसको, जो कि इंटू में है वन अपन बाई इंटू ये वैल्यू वाई वन के इक्वल होगी एन अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का टू एक्स वन का हो जाएगा जीरो. तो आ गया y1 अपान y इज इक्वल टू n अपान x स्क्वायर माइनस 1 और इंटू है 2x. अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो इस तरीके से x स्क्वायर माइनस 1 का उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 में और इस y को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 2 कांस्टेंट पहले देखते हैं फिर n x y. हमें डिफरेंशिएशन करना है n प्लस टू टाइम्स, इसके लिए सबसे पहले हम दो बार डिफरेंशिएशन कर देंगे और n बार फिर और करना होगा, तो n बार डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें लेबनिट्ज़ थ्योरम का अगर यूज़ कर लेते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा. तो इसके लिए एक बार और डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर दो फंक्शन है जिनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाय वन का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में बाय टू, बाय टू में दो बार डिफरेंशिएशन बाय का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो शॉर्ट में से बाय टू लिख दें, प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही, पहले क्या था फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स वन का हो जाएगा जीरो इंटू में टू एन कॉन्स्टेंट है तो टू एन दो बार लिख लें, यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स वैसा ही सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाई का डिफरेंशिएशन बाई वन होता है, इससे पहले देख चुके थे हम बाई का डिफरेंशिएशन बाई वन होता है, प्लस अब सेकेंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर एक्स है और एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू प्लस टू एक्स बाई वन इज इक्वल टू उसके अंदर इंटू करेंगे तो आ जाएगा टू एन एक्स बाई वन प्लस टू एन वाई, सारे टर्म को एक साइड कर लें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू प्लस टू एक्स बाई वन, इस बाई वन को वाई वन के साथ में लिखते हैं टू एन एक्स बाई वन और माइनस का टू एन वाई राइट हैंड साइड में जीरो.
हम यहाँ पर y1 कॉमन ले लें, साथ में x भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो x square minus 1 by 2 plus यहाँ पर हमने कहा था 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेंगे और साथ में माइनस भी कॉमन ले लें, तो ये साइन माइनस हो जाएगा, n बचेगा यहाँ पर, इसको पहले लिख दिया, ये 1 बचेगा यहाँ पर, माइनस लिख दिया क्योंकि x भी कॉमन लिया है हमने बाहर, बाई 1 भी कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स से, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो गए, n कोएफिशिएंट बड़ा है इसे पहले लिख दिया, 1 को बाद में, लास्ट टर्म है 2ny इज इक्वल टू 0। ये दो बार डिफ्रेंशिएशन होके आ गया है फंक्शन हमारा। अब इसको n बार और डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो n प्लस 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बाय लेबनिट्ज़ थ्योरम। लेबनिट्ज़ थ्योरम का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे लेबनिट्ज़ थ्योरम की ओर से, तो फार्मूला होता है, यहाँ पर दो फंक्शन का इंटू है, दो फंक्शन के इंटू के लिए लेबनिट्ज़ थ्योरम है, तो जब यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो इस ब्रैकेट में लिखेंगे एन सी जीरो, फंक्शन फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, यानी इस जिसको हम बी मानते हैं, जिसका डिफ्रेंशिएशन दो बार के बाद तीसरी बार में जीरो हो जाएगा, तो इसको हम बी मानते हैं, और दूसरे वाले को यू, तो इसको ऐसे लिख दें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इस जिस जो यू माना है जिसको, उसको हम एन बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो बाई टू का जब एन बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एन प्लस वाई एन प्लस टू टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, दो बार पहले से हो रहा था और एन बार और कर दिया डिफ्रेंशिएशन। अगला टर्म लिखना है तो इस टर्म को देख के अगला टर्म लिख लेंगे, एन सी जीरो था तो अब की हो जाएगा वन, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, अभी एक बार भी डिफ्रेंशिएशन नहीं था, अब एक बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका, तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स और वन का हो जाएगा जीरो। अब इसमें एक कमी कर दें, इधर डिफ्रेंशिएशन जैसे हम लोग लेबनिट्ज़ थ्योरम देख चुके हैं, जानते हैं, उस बेस पर इसको हमने वी और यू माना है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इसका करते जाएंगे और इसका एक डिफ्रेंशिएशन कम करते जाएंगे, इसमें बढ़ाते जाएंगे, तो एक बार तो जीरो बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, यहाँ पर एन बार डिफ्रेंशिएशन हमने किया था। अब इस टर्म को देख के लिखना है तो एन प्लस टू है तो यहाँ पर एन प्लस वन आ जाएगा, प्लस अगला टर्म लिखना है तो इस टर्म को देख के अगला टर्म लिख देंगे, यहाँ जीरो है यहाँ पर वन है सॉरी, तो ये टू आ जाएगा, एक बढ़ा देंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा टू इंटू वन, यहाँ पर एक कम कर देंगे तो बाई एन हो जाएगा, एन प्लस वन था बाई एन हो गया। अगली बार अगला टर्म नहीं लिखना होगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट हो चुका है, नेक्स्ट टर्म सब इसका डिफ्रेंशिएशन नेक्स्ट वाले में यानी एन सी थ्री लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, थ्री बार फोर बार और कितने ही टाइम्स करेंगे एन टाइम्स सब जीरो हो जाएंगे कॉन्स्टेंट होने की वजह से, इसलिए आगे नहीं लिखना। तो इसमें तो हमने लेबनिट्ज़ थ्योरम लगा दी है, अप्लाई कर दी है, हम ये दो टर्म चेन में लगाना है, तो यहाँ तक तो ये कॉन्स्टेंट है माइनस टू एन माइनस वन, अब ये दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है जिसमें लेबनिट्ज़ थ्योरम लगेगी, और हम लोग जानते हैं यू उसको मानते हैं जिसका डिफ्रेंशिएशन एलिमिनेट नहीं होगा, जबकि हम देख रहे हैं वी इस वाले फंक्शन को मानेंगे एक्स को, ताकि वो एक बार यानी में कॉन्स्टेंट आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने, दो बार में जीरो हो जाएगा, तो शुरुआत करेंगे एन सी जीरो, इस वी को यानी एक्स को ऐसे लिख देंगे, और जिसको यू मानते हैं लेबनिट्ज़ थ्योरम का जो थ्योरम का फार्मूला होता है हमको याद है, तो उसमें इसका एन बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे बाई वन का, तो एक्स को वैसे ही और बाई वन का जब एन बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एन प्लस वन आ जाएगा प्लस एन सी वन। तो इसके बाद इस टर्म को देख के ही अगला टर्म लिख सकते हैं, यानी अब हमें इसका तो जो हमारा पहला फंक्शन था v था इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा और n प्लस बाई एन प्लस 1 का एक कम कर दीजिए तो बाई एन हो जाएगा, फार्मूला हमें माइंड में रखना चाहिए, और अगला टर्म नहीं लिखना है क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। माइनस टू एन इंटू बाई
उसका डिफरेंशिएशन n बार करेंगे बाय n और राइट हैंड साइड में जीरो। इस तरीके से अगर डिफरेंशिएशन करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, हम इसका दूसरा मेथड फिर बताते हैं आपको। उम्मीद है यही समझ में आ गया होगा। अब इसमें है थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा और हमारा रिजल्ट मिलने वाला है। तो एन से जीरो की वैल्यू 1 होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एन प्लस 2 प्लस एन सी 1 की वैल्यू n होती है और इंटू में है 2x और इंटू में बाई एन प्लस 1। एन सी 2 की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होती है इंटू 2yn। माइनस यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं बची है, माइनस 2n n माइनस का 1 ऐसे ब्रैकेट लगाए रखें क्योंकि भी सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो n से 0 की वैल्यू 1 और x y n प्लस 1 प्लस n से 1 की वैल्यू n होती है इंटू y n इक्वल टू माइनस सॉरी माइनस 2n y n इज इक्वल टू 0। अब जो भी n वाले टर्म हैं सॉरी जो भी लाइक टर्म है उनको कलेक्ट कर लेंगे, एक जैसे जो भी है उनको एक साथ लिख लेंगे। तो ये तो अकेला टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी वाई एन प्लस 2 का सिंगल टर्म है और वाई एन प्लस 2 के दो टर्म हैं ये, इनको साथ साथ लिख लेंगे। तो 2 पहले लिख दें 2n x by n plus 1 इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस के 2n माइनस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें x by n plus 1 में। अब by n plus 1 के टर्म ने साथ साथ लिख लिए, तो by n के टर्म यहाँ पर तीन टर्म्स हैं इनको एक साथ लिखेंगे। सबसे पहला टर्म ये है और फैक्टर 2 की वैल्यू 2 के इक्वल होती है तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा वो लिख लें n n माइनस 1 और by n। उसके बाद ये टर्म दिख रहा है हमें बाई एन का, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका इंटू हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट इसके अंदर जाएगा 2n माइनस 1 इंटू एन बाई एन इसके साथ आगे कोफिशिएंट ये और माइनस का 2n वाई एन इजिकल टू 0। तो बाई एन प्लस 2 के टर्म अलग, बाई एन प्लस 1 के टर्म अलग, बाई एन अब इनमें से कॉमन ले लेंगे हम बाई एन प्लस 1, कुछ और भी कॉमन आ रहा हो वो तो लेंगे, इनमें से बाई एन कॉमन ले लेंगे तीनों में से। एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस का 2, अब हमारा आंसर तो करीब करीब आ चुका है, बस टर्म को कलेक्ट करना है, मेन काम हो गया, n प्लस 2 का डिफरेंशिएशन आ चुका है। इसमें हमें 2 कॉमन नजर आ रहा है और x वाई एन प्लस 1 भी कॉमन है, तो इस टर्म में बचेगा n और इसमें 2 बार हो चुका है ये, तो n माइनस 1 बचेगा और x by n plus 1 को कॉमन लिया जा चुका है। अब इन तीन टर्म्स में by n कॉमन है, प्लस लगा दें और ये पहले में n n माइनस का 1, दूसरे टर्म में है माइनस का 2 n माइनस का 1 इंटू n है और माइनस का 2n by n राइट हैंड साइड में 0। ये तो सॉल्व करना नहीं, ऐसे लिख देंगे x square माइनस 1 y n प्लस का 2 और इस ब्रैकेट को ओपन करें तो n माइनस n माइनस माइनस प्लस का 1 x y n प्लस का 1। अब इसमें ब्रैकेट खोलेंगे n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2n माइनस का 2n y n इक्वल टू 0, लास्ट के 2n प्लस माइनस कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एन प्लस 2 प्लस एन से एन कैंसिल, तो 2 टाइम्स एक्स बाई एन प्लस 1 और यहाँ से देख रहे हैं कि माइनस का एन स्क्वायर बचा तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एन स्क्वायर, ये माइनस का एन यहाँ पर है तो माइनस कॉमन लेने से प्लस का एन हो गया बाई एन इजिकल टू 0। अगली स्टेप लास्ट होगी, उसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे n को प्लस 2x बाई एन प्लस 1
n को कॉमन लेने पर n प्लस का 1 बाई n इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने जो प्रूव करना तो आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर वॉचिंग अस।